ये देखिए, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये नहीं, ये दिखाइए। हाँ सुनिए जी, जरा ये देखिए तो कैसे लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब है ना? तुम पहनोगी तो दिन में 14वीं का चांद नजर आओगी। मैं आपकी अकल कब ठिकाने आएगी? जब तुम ठिकाने आ जाओगी। क्या कहा? नहीं मतलब तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं है। मेरी पसंद तो हमेशा से ही लाजवाब रही है। अच्छा, बहुत देर बाद पता चला है तुमको। आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, समझे? तो मैंने कहा कि तुम मेरे बारे में कह रही हो। हाय माँ। अरे आकाश। हेलो डैडी। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। कुछ खबर भी नहीं की? आप लोग की याद आई तो चला आया। अच्छा चलो शुक्र है हम दोनों की याद तो आई। लीजिए संभालिए। अरे देखो वो साड़ी दो आकाश, ये देखो साड़ियाँ पूजा के लिए, देखो ना कितनी खूबसूरत लगेगी इन्हें पहनने के बाद। और ये जेवरात, इन्हें पहन के तो बिल्कुल अप्सरा लगेगी, है ना? माँ औरत की पसंद है, औरत ही जाने। अच्छा माँ मैं बहुत थक गया, मैं जाके सो जाता हूँ। अच्छा तुम सो जाओ। आकाश। हाँ जी। बातें बनाकर तुम अपनी मां को बेवकूफ बना सकते हो, अपने बाप को नहीं। एक बात कहूं, इंसान के अगर दिल पर बोझ हो ना तो उसको कह देना चाहिए। कह देने से वो शब्द बनकर, भाव बनकर जबान की सतह से उड़ जाते हैं। मैंने जिंदगी में तेरी हर जिद मानी है, तेरी हर बात मानी है मैंने। एक बाप बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर, क्योंकि मैं चेहरे को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। फिर आज इन आंखों में आंसू क्यों है ये बता। डैडी कभी कभी दिल के पैमाने में खुशी इतनी बढ़ जाती है कि खुद ब खुद आंसू के छींटे बनकर छलक जाती है। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। नहीं डैडी, आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी एक बाजी है, कोई जीतता है तो कोई हारता है, मगर इस बाजी में जीत भी मेरी हुई है और हार भी। यह हवेली दुल्हन की तरह सजाई जाएगी, शहनाइयां बजेंगी, बारात निकलेगी तो लोग कहेंगे किस धूम से निकली है राजीव वर्मा के बेटे की बारात, अमन की बारात। अमन की बारात? हाँ मां, अमन हमारे एहसानों का बदला चुकाना चाहता था। असल में पूजा सागर से प्यार करती है और अमन ही सागर है, और मेरा क्या, मैं तो। अरे यार तू तो बहुत बहादुर निकला। मुझे नाज़ है तुझ पे बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे भी। अमन। आकाश तू यहां कैसे? पूजा को लाया हूं उसके साजन से मिलाने।